हाथों को लगातार ताक पर रखकर इंदौर शहर में संचालित हो रही सैकड़ों एडवाइजरी कंपनियों पर एसटीएफ द्वारा कार्यवाही की जा रही है, जिसमें 100 से अधिक ऐसी कंपनियों की सूची बनाई गई जिन्होंने करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी की है। इसी क्रम में मालवा मेल क्षेत्र में चल रही एक कंपनी पर एसटीएफ ने दबिश दी है। बताया जा रहा है कि रैपिड रिसर्च टेक्नोलॉजी एडवाइजरी कंपनी पर दबिश देकर एसटीएफ ने 47 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है, जिसमें 13 महिलाएं शामिल हैं, जिनके पास से 46 मोबाइल फोन और 48 मॉनिटर जब्त हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि शहर में एसटीएफ लगातार बिना अनुमति से संचालित हो रही एडवाइजरी कंपनियों पर कार्यवाही कर रही है, जिसको लेकर पिछली कार्यवाही के दौरान फरार आरोपी जीतू सराठे अभी तक नहीं मिला था। एसटीएफ को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जीतू सराठे मालवा मेल स्थित रैपिड रिसर्च टेक्नोलॉजी एडवाइजरी कंपनी पर कार्य कर रहा है, जिसको लेकर एसटीएफ ने दबिश दी, जिसमें काफी अनियमितता मिली। वहीं सभी कर्मचारी बिना पंजीयन के कार्य करते पाए गए। कंपनी में टेलीफोन लाइन का गलत तरीके से कार्य किया जा रहा था, जिसको लेकर एसटीएफ ने सेबी के अधिकारियों को सूचना देकर वहां से 47 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 13 महिला कर्मचारी सम्मिलित हैं। एसटीएफ ने यहां से 48 मॉनिटर और 46 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। रोल सर बदले आज क्या कौन से आरोपी एसटीएफ मुख्यालय के हमारे एडिशनल डीजी सर श्री डॉक्टर अशोक अवस्थी सर के द्वारा हमको पूरे भारत में जो अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी कंपनियां हैं उनकी जांच की जा रही है। इसी तारतम्य में करीब लगभग 100 अनरजिस्टर्ड कंपनियों की जांच इंदौर यूनिट द्वारा की जा रही है। ये सभी शिकायतें हमको इंदौर सेबी इकाई द्वारा प्राप्त हुई हैं। इसी तारतम्य में हम पूर्व में हमारे यहाँ एक अपराध क्रमांक 18/19 रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें एक आरोपी जीतू सराठे नामक व्यक्ति फरार चल रहा था। हमारे यहाँ के सब इंस्पेक्टर श्री त्रिपाठी, एएसआई अमित दीक्षित आदि को सूचना प्राप्त हुई कि जीतू सराठे जो है वो कहीं अपना नाम बदल कर कहीं अन्य किसी कंपनी में काम कर रहा है। तो हमारी टीम के द्वारा, जिसमें सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर त्रिपाठी, अमित दीक्षित, जनकलाल, राहुल, देवेन इत्यादि थे, इनके द्वारा एक मालवा मिल के पास एक कंपनी में रिसर्च इंडिया कंपनी में दबिश दी गई, तो पाया गया कि जीतू सराठे वहाँ काम कर रहा है और उक्त कंपनी में उक्त कंपनी रजिस्टर्ड है, पर वहाँ के लोग अपंजीकृत तौर पर काम कर रहे हैं। जो भी उनका एक सर्टिफिकेट होता है, NISM सर्टिफिकेट होता है, उसमें से मात्र 8 ही लोग थे जो NISM सर्टिफिकेट प्राप्त थे, बाकी शेष अन्य लोग बिल्कुल फ्रॉड तरीके से कार्य कर रहे थे। हमारी टीम के ASI द्वारा सेबी के अधिकारियों से बात की गई, तो सेबी अधिकारियों ने बताया कि ये कंपनी पूर्णतः गैरकानूनी रूप से संचालित हो रही है। तो इस तारतम्य में फिर हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, जांच करने पाया गया कि ये कंपनी अनधिकृत तौर पे भी जो टेलीफोन लाइन है उसका भी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही थी, और वो वहाँ जो भी कार्य हो रहा था वो सब गैर कानूनी तरीके से हो रहा था। इस पे घटनास्थल पर ही हमारे ASI और सब इंस्पेक्टर साहब द्वारा इसमें FIR कायम की गई, और वहाँ से मैं जो भी लोग काम कर रहे थे 34 पुरुष व 14 महिलाएँ उनको घटनास्थल से ही गिरफ्तार किया गया और आज उनका मेडिकल कराकर मानी कोर्ट में प्रेस किया जा रहा है। इसी तरह से मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी एडवाइजरी कंपनी है इनके द्वारा जो छानबीन पता चला, लगभग पूरे देश में लगभग 2 करोड़ के आसपास की धोखाधड़ी की गई है। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।